प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी और हमारी आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमने देखा है कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी धुरी जो है वो धर्म रहती है, अक्सर वो धर्म के नाम पर ही राजनीति करती हैं और जब भी चुनाव आता है तो एक बार धर्म का मुद्दा किसी न किसी पार्टी का चुनावी एजेंडा जरूर बनता है। लेकिन एक अलग माइंडसेट लिए, एक अलग सोच लिए और देश के विकास को एक अलग गति देने के लिए आज डॉक्टर जेके मोहन शर्मा जो कि राष्ट्रीय विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे बीच मौजूद है। सर, प्राइम टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगी कि सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय खुद दें और अपने बारे में खुद बताएं। यूपी की बाराबंकी में एक पिपरौली ग्राम है, सरस्वती माता को कहते हैं, पिता को इस भी नाम है, जन सेवा के पथ पर चलना इनको प्यारा काम है। चलता ही जाता बस पथ पर लेता नहीं विराम है। 26 मई 76 जन्मा, तपा तपाया है। राष्ट्रीय विकल्प पार्टी, क्या किस सोच के साथ आपने इस पार्टी को बनाया, क्या सोच थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना, वर्तमान परिवेश में जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक नियमों का अनुपालन हो रहा है जी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था जी। संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन राष्ट्रीय विकल्प पार्टी की सोच। अच्छा सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आप पहले आयुर्वेद के एक डॉक्टर थे जी। लेकिन उसके बाद आपने अपनी पार्टी बनाई जी। डॉक्टर के बाद से अचानक राजनीति में उतरने का मकसद क्या था और क्या कुछ परेशानियां हुई जब आप राजनीति में उतरे? देखिए मैम, सर्वप्रथम हमारे राजनीतिक गुरु हमारे माता पिता हैं जी। हमारे पिताजी एक विद्यालय में अध्यापक हुआ करते थे, जो उन पर जुल्म हुआ, जो मुझ पर जुल्म हुआ उसको मैंने बहुत करीब से देखा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है जी, इसलिए मैंने राजनीतिक पार्टी का गठन किया। सर, अभी आपने जिक्र किया कि आपके पिता के साथ जुल्म हुआ, आपके साथ जुल्म हुआ, क्या वो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जुल्म हुआ जब आपने ये एक बड़ा फैसला लिया कि अब आप राजनीति में उतरेंगे? जी मैम, मेरे पिता बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हुआ करते थे। 1962 को उनका इंटरव्यू होता है। बाराबंकी जनपद के चेयरमैन महंत जगन्नाथ बख्श हुआ करते थे जी। जो कोटवा के महंत थे। इंटरव्यू में मेरे पिता शंभू प्रसाद शर्मा और एक राजेंद्र शुक्ला जी और मेरे ताऊ जानकी प्रसाद शर्मा जी, तीनों लोग आगे पीछे लाइन में खड़े थे। चूंकि गरीबी से पले बढ़े और स्वाभिमानी थे, वहाँ की जो व्यवस्था थी, जो लोग इंटरव्यू देने जाते थे तो या तो महंत जी के पेड़ों पर वो दो डलियाँ मिट्टी डालते थे या फिर उनके पैर छूते थे। जिन्होंने ऐसा किया, अशिक्षितों को जिनको नाम लिखना नहीं आता था, ज्वलंत उदाहरण है। अभी एक राम लली अध्यापिका हैं सूरतगंज में, शायद सेवानिवृत्त हो गई हूँ, वो पूरा राम और लली नहीं लिख पाती, रा बना के शोना रखती हैं और ला बना के शोना रखती हैं। उनको प्राइमरी की हेडमिस्ट्रेस बनाया गया। मेरे ताऊ जानकी प्रसाद शर्मा JTC थे और मेरे पिता शंभू प्रसाद शर्मा ने STC कर रखा था जी। जब मेरे ताऊ जी का नंबर आता है, चेयरमैन साहब इंटरव्यू ले रहे थे, उनके सहकर्मी बैठे हुए थे, ज्यों ही वो पर्दे की चीख उठाकर अंदर गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जब इशारा हुआ तो उन्होंने सर्टिफिकेट मेज पर रख दिए। चेकर्स ने जब सर्टिफिकेट चेक किए तो कक्षा 5 फर्स्ट डिवीज़न, 8th फर्स्ट डिवीज़न, हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न, इंटर फर्स्ट डिवीज़न, उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न, ये शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा, कौन वाले शर्मा हो आप? तो कहा, साहब हम बढ़ाई वाले शर्मा है, विश्वकर्मा बंसी हैं। तो सारे सर्टिफिकेट मेरे ताऊ के उठाकर फेंक दिए गए फर्श पर
और ये कहा भाग जाओ, तुम्हारे लिए मेरे यहाँ नौकरी नहीं। ठीक उसके बाद मेरे ताऊ बाहर रुआंसे से आंखों में अश्रु लिए बाहर निकले। मेरे पिताजी ने पूछा भैया क्या बात क्या हुआ, तो ताऊ जी ने कहा कि हमको डांट दिया गया, भगा दिया गया कि आपके लिए हमारे यहाँ नौकरी नहीं है जी। फिर राजेंद्र शुक्ला जी का इंटरव्यू होता है और उन्हें मिडिल में सहायक के पद पर परवाना दे दिया जाता है जी। तीसरा नंबर मेरे पिताजी का था, वो भी गए और प्रणाम करके गए, अपने सर्टिफिकेट रखे। तो मेरे पिताजी मैथमेटिक्स में कमांड रखते थे, हाई स्कूल तो फर्स्ट डिवीजन थे लेकिन इंटर में थर्ड डिवीजन पास हुए थे। जब उन्होंने नाम टैली किया जानकी प्रसाद हजारीलाल और शंभू प्रसाद हजारीलाल, तो कहा आप अभी जो जानकी प्रसाद आए थे उनके भाई हैं क्या, तो कहा जी सर। तो पिताजी को बोला गया कि आपको प्राइमरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि भुखमरी थी। पिताजी ने कहा ठीक है सर जाएंगे। 41 साल 11 माह मेरे पिताजी ने बेसिक परिषद की सेवा की, एक अनट्रेंड को डायरेक्ट थानेदार बनाया जाए और एक ट्रेंड को सिपाही, बिल्कुल जायज नहीं है। पूरी जिंदगी मेरे पिताजी ने संघर्ष किया। एक चाय को लेकर विवाद हुआ है क्लर्क से, 1986 से लेकर 2006 में पिताजी का रिटायरमेंट होता है और उनके रिटायर होने और मरने के बाद मैं बेसिक परिषद से वो एरियर वसूलता हूँ। सर आपने बोला कि आपकी पार्टी करप्शन के लिए काम करती है, भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन अभी मैंने सुना कि किस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ, आपके पिता के साथ सुलूक हुआ, उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि आपको आरक्षण पे भी काम करना चाहिए? मैंने बहुत काम किया आरक्षण पे जी। 2003 से लगातार मैं सरकार से मांग करता आया, विभिन्न जिलों विभिन्न राज्यों से हमने ज्ञापन भेजे, इसके लिए आंदोलन खड़ा किया जी, कलेक्टर्स के माध्यम से धरना प्रदर्शनों में हमने बहुत काम किया। काम का परिणाम ये हुआ 12 सितंबर 2003 को हमने संसद का घेराव करवाया जी। मेरे धरना स्थल पर पहुंचने से पहले सरकार ने 3 मांगों की पूर्ति कर दी। क्या क्या मांगे थी सर? हमारी मांग थी पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार, महिलाओं को 50% आरक्षण, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश। 2 मांगे कुछ खास ध्यान नहीं आ रही जी। सरकार ने इन 3 मांगों की पूर्ति कर दी। जिन राज्यों में जियो पहुंचा वहां विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी हुई जी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनको शायद केंद्र से डांट पड़ी और उन्होंने 50% से ज्यादा महिलाओं को स्थान दे दिए। बिल्कुल जी। फिर बाद में उन्होंने संशोधन किया तो जो मैंने आवाज उठाई इस पर काम हुआ जी। लेकिन जैसा मैं चाहता था, जो मैं चाहता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन करके महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी जाए, ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो जो करप्शन के खिलाफ है कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की भी कार्रवाई का दावा करती है जी। आपके हिसाब से क्या वाकई में जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जा रहा है या नहीं? मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय विकल्प पार्टी का मानना है अभी और तेजी से और गंभीरता से सरकार को काम करना चाहिए। सर आपकी पार्टी बाकी पार्टियों से किस तरीके से अलग है? जैसे कि सबसे पहले तो हमको पार्टी के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी भ्रष्टाचार के चलते। हमने जो इस पार्टी का बायलाज लिखा वो इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। 24/12/2000 को हमने पहला आवेदन डाला, 2002 में हमारा आवेदन वहाँ पंजीकृत होता है और 2003 में राष्ट्रीय विकल्प पार्टी को अप्रूवल मिलता है, नाम को स्वीकृति मिलती है जी। पंजीकरण में इतना सताया गया, इतने जुल्म हुए हम पर कि मुझे राष्ट्रपति न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अंततोगत्वा 19/14 को राष्ट्रीय विकल्प पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। पार्टी ने चुनाव लड़ना 2003 से ही शुरू कर दिया था। कितने साल से आपकी पार्टी और आप राजनीति में सक्रिय हैं और जनता की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको अभी तक? जनता की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जनता ने हमें पसंद किया जी। हमारे प्रत्याशियों को वोट दिया, हमने जनता के लिए काम किया। शुरुआती दौर में हमने दिव्यांगों की सेवा शुरू की जी। जिले में CMO ऑफिसर्स में बैठा करके विशेषज्ञों को और उनके मेडिकल सर्टिफिकेट, रेलवे और रोडवेज कंसेशन करवाना, ये सब हमने स्टार्ट किया, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। सर आगे आपकी पार्टी जो आगामी चुनाव है उसमें किस एजेंडे पर काम करेगी? मेरी पार्टी सीधा जो सरकार से हमारी मांग है, जिस एजेंडे पर पार्टी काम कर रही है, तो सबसे पहली चीज राष्ट्रीय विकल्प पार्टी चाहती है कि भारत में कोई भी भिखारी भीख न मांगे।
जी, क्योंकि हम बड़े गर्व से कहते हैं, हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आते हैं और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत देश महान। जिस देश की जनता कचरे में रोटी की तलाश कर रही हो, जिस भारत में लोग भीख मांग रहे हों, उस भारत पर की महानता पर मैं सवालिया निशान खड़ा करता हूँ। सरकार, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार चाहे तो कुछ चंद प्रतिशत लोग देश में भिक्षुक हैं, यह सरकार समझे उनकी व्यवस्था कैसे करेगी। और यदि सरकार हाथ खड़ा कर दे तो राष्ट्रीय विकल्प पार्टी उस कोष की स्थापना करेगी कि भिक्षुकों के लिए आश्रय स्थल बनाया जाए और उनको जीवन यापन की व्यवस्था दी जाए। हम तभी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भारत में कोई भीख नहीं मांगता। जी, सबसे पहली मांग मेरी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि वेद शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, नारी को सिर्फ अर्धांगिनी कह करके नारी सशक्तिकरण का जो छलावा दिया जा रहा है, जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इसको बंद करके जातीय आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए और महिलाओं पुरुषों में बराबर की भागीदारी कर दी जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। अच्छा सर, अभी देखा कि ये जो सरकारी नौकरियां हैं, जो अन्य तमाम सुविधाएं हैं, इनमें जो सर आरक्षण है वो जाति के आधार पर दिया जाता है, आप उससे किस हद तक सहमत हैं? मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूँ, देखिए जातियां पशु पक्षियों की होती हैं, कीड़ों मकोड़ों की होती है, जानवरों की नहीं। मनुष्य अपने आप में स्वतः एक जाति है जी, उसको खंड खंड, टुकड़ों टुकड़ों, भेदभाव, ऊंच नीच में जो बांट के रखा गया है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। जिस देश की जनता को विभिन्न टुकड़ों में बांट के रखा गया हो, उस देश में एकता और अखंडता की शपथ बेईमानी से लगती है। हर नेता जो चुन के आता है वो देश की एकता और अखंडता की शपथ लेता है। मैं समझता हूँ ये भारत की जनता के साथ छलावा है। बिल्कुल सर, अब आप प्राइम टीवी के माध्यम से जो दर्शक है, जो जनता है, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े संकल्प पत्र लेकर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आपने देखा होगा देश में परिवारवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, आतंकवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, सारी राजनीति हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि इस देश को, जब आरक्षण की आवश्यकता रही होगी, रही होगी, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीतिक पार्टियां, सरकारें जन कल्याण के काम करें। तो अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी जो है वो लोगों के बीच पहुंच रही है, जनता के बीच पहुंच रही है, उनके मुद्दों को उठा रही है और आखिरकार उनका चुनावी एजेंडा क्या है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार और आरक्षण, ये तमाम उनके अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच पहुंच रही है और जनता के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपका